हेलो स्टूडेंट्स, सो थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट, फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप फाइव टॉपिक्स ऑलरेडी पार्ट वन एंड पार्ट टू हो चुका है, एंड थर्ड पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं। क्यों ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने डिस्कस किया है पास्ट क्लासेस में, एनवायरमेंट के टॉपिक। तो एनवायरमेंट के टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो बर्ड है, ये IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसका जो इसकी अवेलेबिलिटी है, ये जहाँ कहाँ पे मिलता है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एरिया पे मिलता है। ये शेड्यूल वन के अंदर में लिस्टेड है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, जो शेड्यूल वन होता है उसके अंदर में लिस्टेड है। ये सबसे टॉप का कैटेगरी है। इसमें यही जो बर्ड है, ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंडर में भी अपेंडिक्स वन पे है, और अपेंडिक्स वन साइट्स में भी है। अभी याद होगा आपको, साइट्स के बारे में मैंने बताया। तो ये तीनों में सबसे एंडेंजर्ड में है। रीज़न इसका ये है कि अराउंड 150 बर्ड्स ही बस बचे हुए हैं, बाकी सारे बर्ड्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये कोलैप्स करने वाले हैं, ये ख़त्म होने वाले हैं। तो वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसने इसको आइडेंटिफाई किया है। हम लोग कंटिन्यूसली 5 to 7 years से हम लोग कंट्रीज पे लगे हुए हैं कि इसको किसी तरीके से प्रोटेक्शन दें, और इसी के कारण से इस साल हम लोगों ने इसको CMS के अंडर में भी डाल दिया। इसलिए ये अगेन फिर से न्यूज़ में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से एरिया पे है, ये इसका हैबिटेट क्या होता है और क्यों लॉस हो रहा है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो देखो, PIB का इसका अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं तो आपको इसमें मिलेगा कि इसने बताया है कि हम लोगों ने अपना प्रपोजल रखा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बॉर्न कन्वेंशन के अंदर में, इसको इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब ये CMS के कैटेगरी में डाल दिया गया। CMS इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न जब हम लोग CMS के क्लास पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोगों ने CMS के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इसका इंक्लूड करने से क्या होता है, इसका ट्रांसबाउंड्री जो ट्रेड होता था, ये ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट होता था, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि बर्ड्स को आप रोक नहीं सकते, आप एक जगह से दूसरे जगह पे, तो जहां पे भी जाए उसको कंजर्व करना है ना। जैसे हमारे इंडिया में साइबेरिया के बर्ड्स आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि दूसरे कंट्री के बर्ड्स हैं तो हम लोग प्रोटेक्शन ना दें। इसलिए क्या है, एक कन्वेंशन बनाया है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसके अंदर में इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो अराउंड 100 to 150 पॉपुलेशन बस बचे हुए हैं, लार्जली ये राजस्थान एरिया पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है ये जो बर्ड्स हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट ऑफ राजस्थान में इसको आइडेंटिफाई कर किया गया है, फ्लाइंग उसको फेंसिंग करके, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दे के, उसका ब्रीडिंग जो ग्राउंड है उस एरिया को प्रिजर्व करके, उस जगह पे उसको एनक्लोज करके, ताकि ब्रीडिंग होगा तो क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन आएगा और अल्टीमेटली इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पे ब्रीडिंग होता था उसके अलावा भी दूसरे जगह पे ले जाके एक, ताकि कोई डिसीज़ ना हो और सडनली कोलैप्स मत कर जाए, इसलिए इनको अलग अलग जगह जाके ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में और भी जो मैंने बताया कि अदर ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनाया जा रहा है, जो राजस्थान का ये डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी है, एंड आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये तीन जगह पे अलग अलग जगह पे आप ले जा रहे हैं। देखिए, आप ड्रास्टिकली डिफरेंट क्लाइमेट में ले जा सकते हैं, जो स्टेट है उसी की बाउंड्रीज के साइड साइड में आप ले जा सकते हैं इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ठीक। तो सेकंड टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, डल लेक। मैंने बताया था कि डल लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से ये डिवीजन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, तब से इस एरिया के जो जो चीज़ें होती हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हमारे हम लोग किस कारण से इसको डिवीजन किए थे, क्योंकि हम लोग इंश्योर कर सके वहाँ पे लाइवलीहुड इकोनॉमी को सही ढंग से फ्लरिश करवा सके, इसलिए उसको हम लोगों ने ये किया था। तो डल लेक को हम लोगों ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, इसको अब हम लोग इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे डल लेक को। अब इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि डल लेक इको सेंसिटिव जोन होने से क्या बेनिफिट है, एंड डल लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और ये 10 मेंबर का एक कमेटी बनेगा जो कि डिक्लेयर करेगा, इसको इको सेंसिटिव जोन बनाएगा। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो व्हाट इज़ इको सेंसिटिव जोन, क्या है इको सेंसिटिव जोन, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है 1986 का जो एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट वी कैन एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम सर्टेन शेड्यूल्स ऑफ दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें ये दो जगह पे लिखा हुआ है कि इट कैन रेस्ट्रिक्ट द एरिया इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरिड आउट
सब्जेक्टेड टू सर्टेन सेफगार्ड्स, कुछ सेफगार्ड के साथ आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ये दिया गया है एनवायरनमेंट में, इसी कारण से आप इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। इसमें भी सेम चीज़ का लिखा हुआ है। तो इको सेंसिटिव जोन हम लोग इनडायरेक्टली निकालते हैं। इको सेंसिटिव जोन हम लोग ने तीन कैटेगरी पे डाला गया है। पहला चीज कि ये जियोमॉर्फोलॉजिकल लेवल पे ये एक पर्टिकुलर फीचर को दिखाता है। जैसे क्या है, इट्स वो एक अनइनहैबिटेड लैंड होना चाहिए, आइलैंड होना चाहिए या ऐसा एरिया होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इको सेंसिटिव जोन के लिए वन ऑफ द क्राइटेरिया ये है कि जियोमॉर्फोलॉजिक लेवल पे ये यूनिक होना चाहिए, अलग टाइप का फीचर होना चाहिए, या तो ये ऐसा पोर्शन सोर्स होना चाहिए जो कि अदर रिवर्स वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे मानसरोवर है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, पर वो इंडिया का पार्ट नहीं है इसलिए हम लोग उसको इको सेंसिटिव जोन नहीं बना पा रहे हैं। तो वैसे ही है कि जो जो एरिया से रिवर ओरिजिनेट होती है वो सेंसिटिव जोन में डाला जा सकता है। सेकेंड है स्पीसीज बेस्ड, ऐसे स्पीसीज वहाँ पर मिलते हैं जो कि एंडेमिक है, मत खत्म होने वाले हैं या उनको थ्रेटन्ड है, या बहुत रेयर कैटेगरी का वहाँ पे स्पीसीज मिलते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप क्या करते हैं, वैसे जोन को इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं। थर्ड है इकोसिस्टम बेस्ड, वो सेक्रेट ग्रूव्स हो सकते हैं जो ट्राइब्स के, जैसे अवतार में आपने देखा होगा कि सेक्रेट ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वो हो सकता है, या तो फॉरेस्ट ऐसा जगह हो सकता है जो कि बाउंड्री के पास हो, वैसा फॉरेस्ट लैंड हो सकता है, तो वैसे एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन बना सकते हैं। तो ये थ्री क्राइटेरियाज आर मेट बाय दिस, जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग डल लेक को क्यों इको सेंसिटिव जोन बनाने वाले हैं। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा या उसमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो हम लोग इसको ESS सेट कैटेगरी में डालेंगे। डल लेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो श्रीनगर, तो श्रीनगर का ये ज्वेल बोला जाता है, ये उसका ज्वेलरी है, उसका अलंकार है, इसको क्राउन ऑफ द कश्मीर भी बोला जाता है डल लेक को। इसमें काफ़ी सारे कमर्शियल ऑपरेशन होते हैं, टूरिज्म फ्लरिश करता है, फिशिंग फ्लरिश करता है, और वाटर प्लांट का हार्वेस्टिंग भी होता है। तो ये सारे चीज़ें डल लेक में इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डल लेक है कहाँ पे, डल लेक देखिए ये एरिया पे है डल लेक, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे डल लेक है, और आपको यहाँ पे वुलर लेक दिखेगा, ये वुलर लेक है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर में आते हैं। आपको मैप, ये वाला मैप देखेंगे आप स्लाइड्स में देखेंगे तो और क्लियर दिखेगा, ये वाला पोर्शन मतलब देखिए यहाँ से पाकिस्तान आ जाता है, ये वाला एरिया जो है जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर, ये श्रीनगर के पास वाले एरिया पर आपको डल लेक मिलेगा। ठीक, देन सेकंड टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग कंटिन्यूसली पोल्यूशन का मेन पोर्शन हो जाता है। हर एक विंटर में आप देखोगे कि दिल्ली में जो एयर का क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर हो जाता है, उसके नॉट ओनली इन दिल्ली, उसके सराउंडिंग एरिया पे भी जो ब्रीदिंग में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। अभी जो मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं N95, आप उसमें देखोगे PM2.5 लिखा रहता है, मीन्स आप पोल्यूशन के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्टबल बर्निंग जो है ये क्या है, क्यों करते हैं, और किस तरीके से ये हार्मफुल है, इसको हम लोग जानेंगे। स्टबल बर्निंग देखिए एयर क्वालिटी का को पे हर साल हम लोग बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं और एयर क्वालिटी हर साल डिग्रेड हो जाता है, और आप देखोगे कि चाइना में इस लेवल पे वर्स्ट हो चुका है कि बिना मास्क के आप जा ही नहीं सकते। तो जो कंडीशन अभी कोरोना के लिए है वही चीज़ उस समय होने वाला है। तो वर्स्ट कंडीशन ना हो इसलिए ऑड एंड इवन वाला फॉर्मूला आया दिल्ली में। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, स्टबल बर्निंग वहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो लोग जैसे ही आपका हार्वेस्टिंग हो गया, जो आपने फीट या जो भी राइस वगैरह जो भी आपने कट किया, कट करने के बाद आपने मेन प्रोडक्ट तो हटा दिया, बट जो बच जाता है, जो घास बच जाता है, जो पैरा टाइप का या पराली बच जाता है, उसको आप क्या कर देते हैं, वहीं पे जला देते हैं, ठीक है, वहीं पे जला देते हैं। तो इसके कारण से जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन पूरे एरिया पे, दिल्ली NCR रीजन पे या नॉर्दर्न एरिया पे पोल्यूशन का बड़ा सेंटर बन जाता है। तो ये एक एयर क्वालिटी को बहुत डिफिकल्ट कर देता है। बेबीज़ में सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है ब्लैक कार्बन, आपने सुना होगा, बेबीज़ के प्लेजेंटा मतलब जो मदर के प्लेजेंटा में आता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, जो बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो स्टबल बर्निंग रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ द हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर्स, ये रिलीज करता है अगर हम लोग स्टबल का बर्निंग करते हैं। तो इससे क्या हार्म हो रहा है, इससे मैंने बताया जो ओल्ड एजेज वाले हैं एंड किड्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इनफैक्ट उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम कर सकता है एयर पोल्यूशन। स्टबल बर्निंग से
क्यों करते हैं लोग, रीज़न क्या है? एक तो पहली बात क्विकली क्लियर कर देता है राइस फील्ड को या वीट फील्ड को क्लियर कर देता है और नेक्स्ट फील्ड के लिए हम लोग रेडी कर देते हैं। सेकंड, जो एक्स्ट्रा वीट्स होते हैं, जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उनको वो हटा देता है, रिमूव कर देता है, जला देता है। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड जो रेजिस्टेंट होते हैं और कुछ ये होते हैं पेस्ट्स होते हैं, वो सब कुछ जला देता है, ख़त्म कर देता है। और एज़ वेल एज़ क्या होता है कि वहाँ वो उनके हिसाब से ये मॉइस्चर को रिटेन करता है और सेकंड न्यूट्रिशन को उसमें फिर से एडअप करता है। ये उनका थॉट है, इसके कारण से ये लोग स्टबल का बर्निंग करते हैं, मतलब पैरा का या पराली का बर्निंग करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग क्या होगा, इसका इम्पैक्ट सबसे पहले हेल्थ में इम्पैक्ट होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, आइज में इरीटेशन होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में प्रॉब्लम आता है, एयर पोल्यूशन में जो 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 गैसेस निकलती हैं, मीथेन वगैरह मैंने बता दिया कि ये सारे गैसेस निकलती हैं, स्मॉग का प्रॉब्लम कर देता है, वही जो स्मोक है, जब स्मॉग बन जाता है तो वो एक तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम करता है, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम करता है। सेकंड, सॉइल का न्यूट्रिशन क्या होता है, जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स हैं, फास्फोरस हैं, सल्फर है, पोटेशियम है, इसको वो हटा देता है, रिमूव कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो जो उन लोग का थॉट है कि सॉइल में न्यूट्रिशन डाल देता है, इनफैक्ट ये उसके लिए अपोजिट काम करता है। इकोनॉमिक लॉस क्या है कि अगर उसी फ्यूल को आप किसी और, ये जो पराली है या जो स्टबल है, इसको अगर आप किसी और पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपको इकोनॉमिक भी बेनिफिट मिलता, पर वो भी नहीं मिल रहा आपको। इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिट मिलना था वो भी तो आपका लॉस हुआ। तो इसका एक अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ में हुआ था, गौथांस मॉडल। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ये लोग क्या किए, 5 मिलियन हेक्टेयर का एक लैंड लिए हैं, उस एरिया को बोला जा रहा है परालीदान, ठीक है, वहाँ पे पैरा बोला जाता है, तो परालीदान। वहाँ पे क्या है, जितना अनयूज पराली इसको कलेक्ट करके वहाँ पे डंप करके उसको फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। तो ये कंपोस्ट टाइप का क्रिएट होता है जो कि फिर से उन्हीं को बेनिफिट देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। तो ये मॉडल को पूरे वर्ल्ड पे यूज़ करना चाहिए। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में ये इसके बारे में कहा गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हम लोग बहुत बोलते हैं कि प्लास्टिक सिंगल यूज़, सो वॉट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। देखो लास्ट ईयर का ओशियन में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक्स का डेब्रिज बन गया, मिलियंस ऑफ डेब्रिज आपको प्लास्टिक्स के मिलेंगे और इसको रिमूव करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है और क्या डिफरेंस है बाकी सिंगल यूज़ और मल्टी यूज़ प्लास्टिक के, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात क्या है कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है वो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक है, यूज़ एंड थ्रो वाला जो होता है उसको सिंगल यूज़ बोलते हैं, जो पॉलीथीन कैरी बैग ले जाते हैं अब दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, जो वाटर बॉटल में पानी पीते हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, तो वैसे प्लास्टिक्स को आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। आप कप जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कप यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ करते हैं, कैप्स, बॉटल के कैप्स जो होते हैं, फूड रैपर्स जो होते हैं, ये सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में आते हैं और हम लोग इसी को टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह के सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम करें, इनफैक्ट हो सके तो बैन करें। तो प्लास्टिक इज़ हार्मफुल टू द एनवायरमेंट क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और होता भी है तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है उसको डिसइंटीग्रेट होने में। तो इससे लॉस कैसे होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे हम लोग क्या होता है, प्लास्टिक को हम लोगों ने डंप कर दिया, वो छोटे छोटे पार्ट में माइक्रो प्लास्टिक्स बन के और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं और वो आपकी फूड सिस्टम में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह वो चला जाता है और अल्टीमेटली आपके फूड चेन में आ जाता है और इनडायरेक्टली आप एनिमल्स एंड आपका जो टिश्यू होता है वो कंज्यूम कर लेता है आपके बॉडी में, एज ए टॉक्सिक केमिकल या नॉक्सियस केमिकल के फॉर्म में वो रह जाता है जो कि कैंसरस हो सकता है और आपके टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं ये एक्चुअल में बड़े लेवल पे है तो आप हटा दिए, पर आप जब डिकम्पोज होता है उसको हटाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए माइक्रो प्लास्टिक ज़्यादा बड़ा चैलेंज करता जा रहा है हम लोग के लिए रादर देन दिस मेजर प्लास्टिक्स जो होते हैं। तो इसके लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डिस्पोज करे या वो फंडिंग दे ताकि वो ताकि उसको हम लोग डिस्पोज करा सकें, तो या तो पैसे दे दे हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे या वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर में उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ा दिया है, ओनर्स विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ his prime responsibility to collect and use multi-layered plastic sachets, pouches जो होते हैं, packaging materials होते हैं, उसको वापस से collect करें। तो जो produce कर रहा है उसको आपको हटाना जरूरी है। तो एक और word आया था स्वच्छ ही सेवा, इसमें इंडिया प्लॉग रनर्स जो होते हैं, जो जॉग करते हैं, उनको
पिक करना है, तो ये क्या है, प्लॉग रनर्स बोला जा रहा है, क्योंकि पिकिंग अप द लिटर्स व्हाइल यू आर जॉगिंग, इसको बोल रहे हैं प्लॉगिंग। तो प्लॉगिंग मतलब आप जब भी जॉगिंग के लिए जाते हैं, एक तो आपके हेल्थ भी अच्छा होगा, एज वेल एज आप क्या है, प्लास्टिक को कलेक्ट करिए सो दैट आपका जो एनवायरमेंट है वो सेव रहे। ठीक, तो नेक्स्ट है जो प्रोलिफरेशन ऑफ द केल्प्स इन द आर्कटिक। देखिए आर्कटिक तो हर साल आर्कटिक न्यूज़ में रहता है। रीज़न इसका यह है कि आर्कटिक ओशन का जो स्नो है वो ऑलमोस्ट मेल्ट होने वाला है, जिसके कारण से अल्बेडो क्वालिटी कम होने वाला है। अल्बेडो क्वालिटी कम होगा तो सन का रेज ज़्यादा स्टोर होगा तो अगेन वार्मिंग का काम करेगा। तो ये जो आर्कटिक ओशन जो पोल्यूट हो, आर्कटिक ओशन जो कम्प्लीटली मेल्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ये केल्प्स क्या है, देखो क्या है, एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि सी हॉर्सेस सी काउ से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, ओशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम में काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, और उसके लिए जैसे कोरल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, केल्प से रिलेटेड, मैनग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है। पर्टिकुलरली वैसा जोन जो होता है इकोटोन बोला जाता है, जहाँ पे दो टाइप के इकोसिस्टम मर्ज होते हैं, जैसे बीच के पास जो होता है बीचेस होते हैं, वहाँ पे लैंड का इकोसिस्टम एंड ओशन का इकोसिस्टम मर्ज होके इकोटोन बनाया जाता है, और वो सबसे हाईली प्रोडक्टिव होता है। इसलिए क्या, ओशन के बीचेस और ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, वो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, उसी में मैनग्रोव्स भी आते हैं। तो आर्कटिक में ऐसा क्या है, आर्कटिक में जो केल्प्स हैं, क्या है केल्प्स, केल्प्स ये जो हैं ये जो लैंड पे फॉरेस्ट रहते हैं वैसी ओशन के अंदर के फॉरेस्ट हैं केल्प्स। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, इनका जो हैबिटेट है और उनका जो एडेप्टिबिलिटी है, उनका जो पैटर्न है, उसको चेंज करता जा रहा है। पहले तो केल्प्स क्या है, दीज आर द एल्गी के सी वीड्स हैं ये, है ना, ये लंबे लंबे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। और ये क्या है, ये इनका ये नॉर्मली अडाप्टेड हो गए हैं कूल वाटर के लिए। नॉर्मली ये वार्म वाटर पे होते हैं, पर धीरे से क्या है कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी रहने के लिए सर्वाइव कर जाते हैं। और इस लेवल का सर्वाइवल कैपेबिलिटी बढ़ गया है कि ऊपर का लेयर अगर वाटर का फ्रीज भी हो जाता है तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, इस लेवल का इनमें अडेप्टेबिलिटी आ गया है। और ये लॉन्ग टर्म का डार्कनेस में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, इस लेवल का इनके में कैपेबिलिटी आ गया है। वो कूल वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि वो नॉर्मल वार्म वाटर के लिए बने थे, पर वो कोल्ड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और खासकर जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं, जैसे कि कोल्डर एरिया पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं, वैसे जगह पे वो उनका जो ग्रोथ होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है, काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं। तो अब देखो आर्कटिक ओशियन का जो स्नो है वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट तो वैसे ही आइस के अंदर तो ऐसे ही वो फ्लरिश करते थे, बट अगर जैसे मेल्ट होगा तो और ज़्यादा तेज़ी से फ्लरिश करेंगे, और अच्छे से फ्लरिश करेंगे। इनफैक्ट दे आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड में, अटलांटिक से वो आर्कटिक साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। यही एक नया टाइप का चेंजेस है। अब इससे इकोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा या इसका बेनिफिट क्या होगा, ये सारे चीज़ों को हम लोग को डिस्कस करना है या समझना है। तो केल्प्स क्या है, अंडर वाटर जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, वो शेल्टर देता है बहुत सारे मरीन एनिमल्स को, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो इनफैक्ट ये तो फिर अच्छी बात हुई। और ये क्या करता है, जो वेव्स के पावर आते हैं, जैसे सुनामी आता है या बड़े वेव्स आते हैं जो कि इरोड करते हैं कोस्टल बीचेस को, या सॉइल को इरोड करते हैं, बीचेस को इरोड कर देते हैं साइड साइड के, तो उसको इंटेंसिटी को रोकता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है केल्प्स। आप देख रहे हो कि ये इस टाइप के बड़े बड़े ग्रासेस टाइप का आपको दिख रहा है, ये आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तो वेव्स का एनर्जी उतना लेवल पर हिट नहीं करता बीचेस पे, तो इसके कारण से लैंड प्रिजर्व हो पाता है। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोस्टल इकोनॉमिक्स, रिक्रिएशनल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी, क्योंकि इसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, इसमें न्यूट्रिशन भी होता है, फाइबर होता है, आयोडीन होता है, इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ये काफ़ी कुछ बेनिफिशियल है, बट इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, यही हमारे लिए टेंशन वाली बात है। ये पोटेशियम एंड आयरन भी इसमें मिलता है, तो इसमें इसका रिक्रिएशनल रोल भी है, लोग जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं इसको देखते हैं, उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे फिशेस निकलते हैं, आप इसको जब मूव करते हैं, तो इसलिए ये केल्प्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो मोस्ट रिसेंटली इसमें जो चेंजेस हुआ है कि इट हैज़ रिसेंटली री इन्वेडेड इन द आर्कटिक फ्रॉम द अटलांटिक ओशन में, वो फिर से वो आर्कटिक में चले गए हैं, और अब वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कोल्डर से अब थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, गर्म हो रहा है, और इसके कारण से वो और तेज़ी से सर्वाइव कर सकेंगे। एज वाटर वार्म एंड सी आइस रिट्रीट्स मोर लाइट विल रीच
अब ज़्यादा रीच वाटर रीच करेगा अंदर तक तो फोटोसिंथेसिस होगा और भी ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो रिसर्चर्स प्रिडिक्ट्स कि ये नॉर्दर्न शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, ये जो केल्प्स है नॉर्दर्न शिफ्ट हो रहे हैं। तो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये जो केल्प्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। केल्प्स क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। ठीक, तो ये सारे जो पांच टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस साल के प्रीलिम्स के लिए। आप इसको श्योरली पढ़ के जाइए, इसका जो बैकअप में आपको पीडीएफ भी मिलेगा वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसमें यूट्यूब के चैनल के नीचे आप देखेंगे तो आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो डिटेल में आप इसी चीज़ को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।